हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल से नए साल का पोस्टर या बैनर कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, हम वीडियो की ओर आ गए हैं। तो सबसे पहले आप जो है पिक्सल ऐप को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें से आपको न्यू टेक्स्ट भरा देते हैं, ये हटा दिए। उसके बाद आप लाएंगे बैकग्राउंड लाने के लिए दो तरह का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो फॉर्म गैलरी में क्लिक करेंगे। सो यहाँ से बैकग्राउंड ले लेते हैं। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका राइट क्लिक करेंगे तो देखिए उसका बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे तो लिखने के लिए प्लस का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने का कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसमें से आपको जो है टैक्स ले लेंगे। उसके यहाँ डिलीट के ऑप्शन के बगल में पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ से पेंसिल ले लेंगे, न्यू टैक्स को हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। लिख दिए, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करते हैं, इसको अच्छा सेट कर देते हैं। ऐसे कलर वलर देखने देना है तो देने के लिए ए वाला ऑप्शन में जाएंगे, इसको करते जाएंगे। यहाँ से साइज देख लेते हैं, दे दिए। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, कलर दे देते हैं जैसा भी कलर हो। हम फिलहाल जो है वाइट रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें बॉन्ड कर देते हैं, बॉन्ड कर दिए। उसका इसको अच्छा से सेट कर देते हैं, सेट कर दीजिए। उसके बाद फिर तो दोबारा लिखेंगे, तो ये देखिए हमने लिख दिया है। उसके बाद अब लाएंगे हार्ड डिस्क शुभकामना, तो उसको लाने के लिए इस साइड में प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। फिर फॉर्म गैलरी में जाएंगे, फॉर्म गैलरी में जाने का स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, गैलरी में जाएंगे, एल्बम में जाएंगे। उसके बाद यहाँ फेवरेट में जाएंगे, यहाँ से फोटो ले लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इसको अच्छा से सेट कर देते हैं छोटा करके। नीचे से धुंधला करना है तो उसके यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये बीच वाला आइकन जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, ये देखिए एरिया का ऑप्शन, उसमें क्लिक करेंगे, उसको साइज बड़ा कर देंगे, ये हो गया। उसका राइट क्लिक करेंगे, ये हो गया। उसके बाद अब जो है हमको यहाँ जो है नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए ये प्लस का आइकन देख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे या टैक्स ले लेते हैं, उसको यहाँ अच्छे से रख देते हैं। इसके बाद यहाँ डिलीट के ऑप्शन के बगल में पेंसिल का आइकन देख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे, पेंसिल ले लेंगे, न्यू टैक्स को डिलीट कर देते हैं और यहाँ नाम लिख देते हैं। लिख दिया, उसे ओके करेंगे, उसको अच्छा से एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद इसमें कलर डालना है, ए वाला ऑप्शन में जाएंगे, उसके यहाँ से कलर डाल देते हैं जैसा भी हो। तो फिलहाल हम वाइट रखेंगे, उसको बोल्ड कर देते हैं, यह हो गया। उसके बाद यहाँ जो है गणतंत्र दिवस की हर एक शुभकामना है, उसको लाएंगे तो लाने के लिए प्लस वाला आइकन क्लिक करेंगे। फॉर्म गैलरी में जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए यहाँ गैलरी में जाएंगे, एल्बम में जाएंगे, फैकल्टी में जाएंगे, यहाँ से हार्दिक शुभकामना ले लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इसको छोटा कर देते हैं, अच्छा सेट कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेरा वीडियो जो है वायरल हो गया है, और आप भी जो है इस तरह का पोस्टर जो है अपने मोबाइल से बना सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।